खबर सोनीपत से है, जहां पर ओमेक सिटी सोसाइटी के रेजिडेंट परेशान बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा और मेंटेनेंस को लेकर महिलाओं ने किया हंगामा। सोसाइटी में मिलीभगत से हो रही है चोरियां। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी सोसाइटी में सुरक्षा के नहीं पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसके बाद प्रदर्शन किया जा रहा है। जर्जर बिल्डिंग की भी नहीं हो रही है मरम्मत, प्रदर्शनकारियों की ये कहना है, आरोप है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जर्जर होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोनीपत से यह खबर है, जहां पर ओमेक सिटी सोसाइटी के रेजिडेंट्स परेशान बताया जा रहे हैं। सुरक्षा और मेंटेनेंस को लेकर महिलाओं ने किया हंगामा। तो महिलाओं का कहना है कि सोसाइटी में मिलीभगत से हो रही है चोरियां, ये प्रदर्शनकारियों का कहना है। फिलहाल सोसाइटी में सुरक्षा के नहीं है पुख्ता इंतजाम। ये प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, वो नहीं है। जर्जर बिल्डिंग है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि सोनीपत से यह खबर है, जहां पर ओमेक सिटी सोसाइटी के रेजिडेंट्स परेशान बताए जा रहे हैं। सुरक्षा और मेंटेनेंस को लेकर महिलाओं ने किया है हंगामा। तो सोसाइटी में मिलीभगत से हो रही है चोरियां, ये प्रदर्शनकारियों का कहना है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि सोसाइटी में सुरक्षा के नहीं पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है लोगों को, और इस परेशानी को लेकर लोग अब प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे घर में चोरी होने से पहले एक ही दिन चोरी हुई है, पहले दिन ही चोरी हुई है 11 मार्च को। कंप्लेन भी करी गई है, इनको इंटीमेशन भी दी गई कि भाई रात को चोरी हुई है, जो नया सामान आता है सोसाइटी में से वही चोरी हो जाता है। ये ओमेक सिटी के स्वर्णप्रस्था फ्लोर से इकट्ठे हुए हैं आज सब यहाँ, और स्थिति बहुत ही बुरे हालात हैं। पिछले 6 महीने से लगातार सिक्योरिटी बद से बदतर हालात हो चुकी है हमारी। अभी पिछले 6 महीने से लगातार चोरियाँ बढ़ती जा रही हैं, लगातार बच्चे अकेले रहते हैं, इनके पास ना तो अच्छे गार्ड हैं, बिल्डिंग की बुरी हालत हो चुकी है। पुलिस को हमने अपने बेस पे वेरिफिकेशन की है, पुलिस को हमने फुटेज खुद दी है, हर जगह हम जो है क्लू इकट्ठे करते फिरे, लेकिन ना तो पुलिस ने सहयोग किया अभी तक अच्छे से, ना इस मामले को अब 1 हफ्ता हो गया है, कोई भी अच्छे से कार्रवाई नहीं हुई है। हम मांग यही करते हैं कि भैया ओमेक सिटी का मैनेजमेंट जो उन्होंने एग्रीमेंट में हमें लिख के दिया है, एग्रीमेंट के थ्रू बताया है, वो पूरी फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जाए, हमारी सेफ्टी, हमारे बच्चों की। अब हम यहाँ घर पे नहीं है तो पीछे से बच्चे अकेले होते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी क्या है भैया? देखो सर, ऐसा ये तो एक ब्लेम लगाने वाली बात होती है कि हमारे उससे चलता है, लेकिन ये है कि भी जो भी कार्रवाई होती है पुलिस स्टेशन तक भी जाता है, थाने तक जाती है चीज़ें, और उसमें हम भी साथ में मिलकर ज्वाइंट कार्य करते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे साथ मिलकर चोरियाँ होती है। अगर चोरियाँ अगर हम कराते तो नॉर्मली बात है कि भी हमें लोग क्यों पसंद करते या क्यों छोड़ते। रही बात जो चीज़ कमियाँ हैं उसको सुधार करने की,